हेलो गाइस, क्या तुम लोगों को भाई ये व्हीकल पहचान में आ रहा है? शायद ही पहचान में आ रहा होगा अगर तुम लोगों ने 2 हफ्ते पहले मेरी स्वेट सोल्जर वाली वीडियो देखी होगी तो, क्योंकि मैंने भाई उसमें पुलिस वालों की पोस्ट से रिजाइन देकर मैंने ज्वाइन कर लिया था स्वेट टीम को। एंड देन तब से मैं स्वेट के अंदर ही भाई अपनी जॉब कर रहा हूँ एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब जा रही थी काफ़ी दिनों से, बट अभी यहाँ पे भी यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। लिटरली मैं भाई शुरुआत में तो एक से एक तगड़े तगड़े एक्साइटिंग मिशंस मिल रहे थे मुझे, लेकिन जब से यार ये पिछले 2-3 दिन बीते हैं भाई, पिछले 2-3 दिनों से एक भी ढंग का कोई मिशन नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ इस स्वेट टीम के अंदर। पहले देखो भाई, सबसे पहले मैंने लॉस सैंटोस की पुलिस को ज्वाइन किया एंड मेरे को लगा चलो भाई पुलिस वालों की लाइफ एकदम बढ़िया है। फिर उसमें मैंने खुद को अपग्रेड किया एंड देन मैं थोड़े बड़े लेवल पे चला गया प्रमोशन के बाद, बट स्टिल भाई कुछ खास चेंजेस नहीं आए मेरे काम के अंदर एंड वही जिंदगी बोरिंग सी चल रही थी, तो मैंने भाई वहां से रिजाइन दे दिया एंड मैं आ गया स्वेट टीम को ज्वाइन करने के लिए। बट यहाँ भी सीन वही है यार, यहाँ पर भी भाई शुरुआत में तो काफी तगड़े तगड़े एक से एक बढ़िया वाले मिशन मिले, बट जैसे जैसे टाइम में बीता भाई मिशन नहीं मिल रहे एंड अभी जो नौकरी है जो जॉब है काफी ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। तो मैंने क्या सोचा यार अभी स्वेट टीम जो है यहाँ से भी मैं रिजाइन दे दूं, क्योंकि अब मैंने फैसला किया है कि मैं ज्वाइन करूंगा लॉस सैंटोस की आर्मी। मुझे ये पता चला है भाई लॉस सैंटोस की आर्मी की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा स्वेट से रिजाइन देके लॉस सैंटोस की आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो सर मैं फटाफट से अपने रिजाइन लेटर साइन करना चाहूंगा, मैंने आपको कॉल करके बता दिया था। लाओ लाओ मेरा लेटर लाओ सर, मैं साइन कर दूं फटाफट। ओके थैंक यू सर, ड्रेस आपको वापस कर दूं? ओके अभी करता हूँ। ओके सर, ड्रेस मैंने आपके अंदर वार्डरोब सेक्शन में रख दिया है एंड ये गाड़ी भी मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, जो आपने मुझे मेरी स्वेट स्पेशल वैन दी थी वो हमेशा के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। तो अब मैं फ्री हो चुका हूँ गाइस इस स्वेट टीम से एंड अभी मैं रेडी हूँ भाई लॉस सैंटोस की आर्मी ज्वाइन करने के लिए। सीरियसली मैं यार भाई मैंने स्वेट टीम को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि कुछ एक्साइटिंग मिशंस मिले, बट काफ़ी दिनों से यार मज़ा ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अब मूड बना लिया है लॉस सैंटोस की आर्मी को ज्वाइन करने का। एंड अभी फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस, क्योंकि वहीं पर ज्वाइनिंग शुरू हुई है भाई आर्मी के लिए एंड मैं ज्वाइन करने की कोशिश करने वाला हूँ। देखते हैं क्या टास्क कंप्लीट करने को मिलते हैं भाई। वैसे जब मैंने स्वेट टीम को ज्वाइन किया था तब भाई मुझे 3 एपिक टास्क कंप्लीट करने को मिले थे, जैसे कि भाई एक बोट से पूरे लॉस सैंटोस का चक्कर लगाना, एक टास्क था कि भाई फाइटर जेट को लैंड करना था स्वेट के ऑफिस के ऊपर, ठीक है पुलिस स्टेशन के ऊपर, एंड तीसरा टास्क भी ऐसे ही कुछ खतरनाक सा था। तो मैंने काफ़ी तगड़े तगड़े टास्क कंप्लीट किए थे, देखते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए क्या टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो चलो फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस मिलिट्री बेस, लेट्स गो। लॉस सैंटोस मिलिट्री आर्मी ज्वाइन करने के लिए मैं पहुंचने वाला हूँ लॉस सैंटोस मिलिट्री बेस एंड मुझे पता है भाई काफ़ी सारे बंदे ज्वाइन करने के लिए आए होंगे, क्योंकि स्वेट वाले में भी भाई बहुत सारे बंदे आए थे एंड जब मैं पुलिस ज्वाइन करने गया था तब भी बहुत सारे बंदे आए थे, बट मैंने भाई अपने टैलेंट से बहुत ही ज़्यादा एपिक टास्क कंप्लीट करने के बाद खुद को भाई प्रमोट भी कर लिया था, मैं बन गया था चीफ ऑफ पुलिस एंड बट उसके बाद कुछ मज़ा नहीं आ रहा था तो भाई मैंने स्वेट ज्वाइन किया। वहाँ पर कुछ खास प्रमोट नहीं कर पाया मैं खुद को, इसलिए यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं भाई यहाँ पर क्या होता है। चलो चलो चलो, गाड़ी को शायद से बाहर ही रखना ही होगा या फिर अंदर ले जा सकते हैं। ओ खुल गया भाई। हेलो सर, ये मिलिट्री की ज्वाइनिंग शुरू हो गई क्या? कहाँ पर? ओके उधर किस साइड? चलो भाई चलते हैं। ओहो बहुत सारी, ओ यस गाड़ी लेकर आए हैं भाई, बंदे गाड़ियाँ लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं भी अपनी बाइक लगा, मेरी थोड़ी ना है ये, तो मैंने रास्ते से उठाई है। ओके ये इतनी लंबी लाइन लगी है भाई, हैं ये तो बहुत लंबी लाइन है। ओके नहीं घुस रहा भाई, बीच में नहीं घुस रहा मैं। ओके सर ये पीछे लाइन में लगना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो भाई पीछे से लाइन में लगना पड़ेगा। यार सबसे लास्ट नंबर मेरा ही है क्या? हेलो रेड टी शर्ट वाले भैया, कैसे हाल चाल आपके? बढ़ाते रहो लाइन, बढ़ाते रहो भाई लाइन, बढ़ाते रहो फटाफट। भाई 2 घंटे हो गए मुझे लाइन में लगे हुए एंड ये लाइन अभी तक नहीं बढ़ी है। मैं एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ भाई जहाँ पर शुरुआत में खड़ा था मैं, तब से ये लाइन आगे बढ़ी ही नहीं है पता नहीं क्यों। अरे बढ़ाओ यार लाइन, बढ़ाओ, मेरा नंबर कब आएगा? ज्वाइन करने दोगे नहीं करने दोगे मुझे आर्मी? अरे यार चलो भाई, अबे यार मेरे को नींद आ रही है, सो जाऊं क्या? लेकिन नहीं पता चला लाइन के बीच में कोई आ गया तो मेरे आगे ही, नहीं नहीं जगे रहना है जगे रहना है। बढ़ाओ यार लाइन, क्या कर रहे हो तुम लोग, लाइन थोड़ी सी तो आगे बढ़ी है भाई एंड शाम होने को आ गई है।
अभी तो बहुत लंबी है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। हेलो भाई साहब, आप भी आर्मी के लिए आए हो? अच्छा जी। हाँ लेकिन यार लाइन में ये बंदे लगे हैं तो आर्मी के लिए ही आए होंगे भाई, और किसी चीज़ के लिए थोड़ी ना। ऑब्वियस ही बात है, सब के सब यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ज़रा बॉडी देखो किसी की, भाई मेरे जैसी बॉडी है किसी की? लंबे चौड़े तो खैर सारे ही बंदे हैं यहाँ पर, बट मेरे जैसी बॉडी है क्या किसी के पास? अरे सारे सूखे ही हैं यार। इनका पता नहीं भाई होगा सिलेक्शन या फिर नहीं, बट मैं आराम से सेलेक्ट हो जाऊंगा यार। मैं बता रहा हूँ भाई, इनकी फिजीक देखने के बाद और अपनी फिजीक देखने के बाद मुझे पक्का पता है मैं तो सेलेक्ट होने वाला हूँ। ये तो तुम देख लेना भाई, फिलहाल लाइन बढ़ाओ यार, मेरा नंबर आने दोगे नहीं? एंड रात के लगभग 2 बज चुके हैं और लाइन यहाँ तक पहुँच चुकी है भाई। अभी बहुत टाइम लगेगा, मैं बता रहा हूँ बहुत टाइम। ओए लाइन में से क्या निकल रहा है भाई, लाइन के अंदर चल यार। क्या बंदे हैं, लाइन के अंदर चल और तेरे बीच में जगह खाली है? ओके थैंक यू। क्या बकवास कर रहा है, तेरे बीच वाला वॉशरूम गया है? अबे यार तो फिर चलो यार पीछे ही चलते हैं। मैं तो सोच रहा यार लाइन खाली है, बीच में लग जाते हैं। लगने ही नहीं दे रहा कोई सा भी। अरे जल्दी करो भाई, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे तगड़े तगड़े मिशन, तगड़े तगड़े टास्क चाहिए। नींद आ रही है यार थोड़ी सी भाई, सोलू भाई मैं थोड़ा। हेलो ओ रेड टी शर्ट वाले भाई, थोड़ा सोलू यार, बीच में किसी को घुसने मत दियो, सुन रहे तू? यार कोई भरोसा नहीं है, पूरा खानदान घुसा लेंगे भाई ये बीच में ही। छोड़ो मैं नहीं सोऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सोने वाला यार। बढ़ाते रहो लाइन, बढ़ाते रहो। सुबह हो चुकी है एंड लाइन काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, बस 5 बंदे रह गए मुश्किल से, एंड देन आ जाएगा मेरा नंबर। अरे वाह यार फाइनली मैं भी ज्वाइन करूंगा आर्मी। लेकिन टास्क क्या मिल रहे हैं यार, इधर से जितने भी बंदे अभी तक गए हैं, गाइस देखो भाई मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है यहाँ पर आर्मी ज्वाइन करने का। तो ये जितने भी बंदे अभी अंदर जा रहे हैं उनको एक टास्क मिल रहा है, उस टास्क को उन्हें कंप्लीट करना है, एंड देन उन्हें अगर मतलब टास्क बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर दिया उन्होंने सारे बिना किसी चीटिंग के, तो उन्हें आर्मी में भर्ती कर लिया जाएगा, एंड अगर नहीं कर पाए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी मैं तो कुछ भी हो जाए ज्वाइन करके ही रहूँगा एंड टास्क कंप्लीट करके ही रहूँगा। अब बस देखना यह है कि यार टाइम कितना मिलता है, क्योंकि देखो भाई लास्ट टाइम जब मैंने स्वेट सोल्जर वाली टीम ज्वाइन की थी तब आई गेस मुझे 24 घंटे मिले थे 3 टास्क कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं टास्क कितने मिलते हैं एंड टाइम कितना मिलता है उन्हें कंप्लीट करने के लिए। चलो बढ़ते रहो आगे। ओके गाइज हम दोनों ही रह गए हैं, बस चल चल रेड टी शर्ट वाले चलना अंदर, जल्दी जा जा यार। खड़ा ही हो गया बिल्कुल दरवाजे पे ही, ये जाएगा इसके बाद भी मेरा ही नंबर है यार। Here we go guys, वो रेड टी शर्ट वाला भी गया एंड ये मेरी बारी है, चलते हैं। हेलो हेलो, अरे यार इतने सारे बंदे मिलकर टास्क देने वाले हैं। हेलो सर, हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो नमस्ते नमस्ते, मेरा टास्क क्या है जरा आप बताओगे? यहाँ पर पेपर रखा हुआ है वो उठा लूँ, कौन से सर, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? ओके राइट वाला, ये वाला। यार इसमें तो काफी कुछ लिखा हुआ है। ओके सर मैं लेके जा रहा हूँ। चलो भाई पेपर ले लिया एंड पेपर को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है यार। अबे यार इसमें तो बहुत ही खतरनाक खतरनाक टास्क लिखे हैं भाई, सीरियसली मैं यार ये तो बहुत ही खतरनाक टास्क। अबे लेकिन एक सेकंड, मैं खतरनाक चीजें करने के लिए तो स्वेट सोल्जर छोड़ के मिलिट्री में आया हूँ। यस यस मजा आएगा, बट एक प्रॉब्लम है गाइस, देखो मुझे 3 टास्क कंप्लीट करने हैं, लेकिन इस बार मुझे 24 घंटे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे मिले ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। बट मैं फिर भी करके रहूंगा, मैं ये टास्क कंप्लीट करके रहूंगा। सबसे पहले तो मैं तुम लोग टास्क बताता हूँ गाइस क्या क्या है, तीनों टास्क बता देता हूँ मैं। देखो गाइस सबसे पहला टास्क है कि मुझे एक टैंक की बुलेट, मतलब एक टैंक के अंदर जो तोप होती है उसका यूज करके मुझे कम से कम 10 गाड़ियां ब्लास्ट करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक तोप से भाई 10 गाड़ियां कैसे ब्लास्ट होंगी। व्हाटएवर करना तो पड़ेगा। दूसरा टास्क सुनो भाई, दूसरा टास्क ये है कि एक इन लोगों ने मुझे टापू दिया है, एक छोटा सा आइलैंड, बहुत छोटा सा, उस पर मुझे फाइटर जेट को ले जाके लैंड करना है भाई। छोटी सी जगह पे, वो भी पानी के बीचों बीच कैसे लैंड करूंगा मैं, बट करना पड़ेगा। एंड थर्ड टास्क है कुछ इनके जो बेसिक व्हीकल्स होते हैं मिलिट्री वालों के, उन बेसिक व्हीकल्स का यूज़ करके मुझे मिलिट्री के एक एक चक्कर कंप्लीट करने हैं। मान लो टैंक हो गया, जीप हो गई, मिलिट्री वालों का ट्रक हो गया, ऐसे जो ये बेसिक व्हीकल्स हैं इनको लेके मुझे पूरे बेस का बाहर से एक एक चक्कर कंप्लीट करना है। शायद ये टास्क होगा मेरी ड्राइविंग स्किल्स देखने के लिए, पहला टास्क होगा मेरा निशाना देखने के लिए, एम देखने के लिए, तोप किस तरीके से चला पाता हूँ, एंड सेकेंड टास्क जो वो लैंडिंग वाला है, इसमें फाइटर जेट कितनी बढ़िया तरीके से चला पाता हूँ,
उसके लिए। तो ये क्या भाई नॉर्मल आर्मी मैन चाहते हैं या एक सुपर सोल्जर चाहते हैं? एक बंदा कैसे कर सकता है तीनों चीजें? बट करनी तो पड़ेगी, सबको अलग अलग टास्क मिले हैं। मुझे लगता है सबसे मुश्किल टास्क दे दिया इन लोगों ने। फिलहाल मुझे देखो भाई तीनों टास्क में से दो टास्क तो यहीं कंप्लीट करने हैं। दूसरा जो टास्क है वो प्लेन वाला, उसके लिए मुझे दूसरे आइलैंड पर लैंड करना है। मतलब प्लेन तो यहीं से ही लेकर जाना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो पहला टास्क था जिसमें 10 गाड़ियां रखनी है हमें, एंड एक बुलेट से भाई, एक एमओ से हमें 10 की 10 गाड़ियों को ब्लास्ट करना है, वो भी सिर्फ टैंक की एक बुलेट से। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले गाड़ियां लाते हैं 10, ये मिलिट्री वाले प्रोवाइड करने वाले हैं 10 गाड़ियां, एंड टैंक भी यही लोग देंगे, एंड कहां से निशाना लगाना है ये सब भी यही बताएंगे। चलो भाई दे दो फटाफट। एंड अभी तुम लोग टाइम देख लो भाई, 9 बजने वाले हैं और मेरे पास 12 घंटे हैं, मतलब रात के 9 बजे तक का टाइम है मेरे पास। मुझे ये रात के 9 बजे से पहले ही सब कुछ निपटाना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके गाइस, मिलिट्री वालों ने भाई पूरा सेटअप रेडी रखा है। यहाँ पर यह है स्टार्टिंग लाइन, एंड ये है हमारा टैंक जिसका यूज़ करना है हमें। एंड सामने की तरफ तुम लोगों को शायद 10 गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, शायद क्या दिख तो रही हैं भाई इतनी सारी। टोटल 10 गाड़ियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड जिसमें 5 गाड़ी वाइट है, 5 गाड़ी ब्लैक है। एंड देखो भाई, तुम लोगों को लग रहा होगा भाई ये टास्क ईजी है या फिर मुश्किल है, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये टास्क कंप्लीट करने के लिए मुझे ज़्यादा ट्राइज नहीं मिलने वाले हैं, 1 से 2 ट्राई मिलने वाले हैं। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है ये, क्योंकि मान लो अगर 2 ट्राई में मैं ये नहीं कर पाया, डिसक्वालीफाइड भाई, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ वेस्ट थोड़ा ना करेंगे भाई मिलिट्री वाले। इसीलिए जल्द से जल्द एंड एक ही बार में कोशिश करनी है मुझे इस टास्क को कंप्लीट करने की। देखते हैं क्या होता है, बाकी तुम लोग रेडी हो जाए। ये सबसे मेरा पहला टास्क है। दूसरा टास्क है फिर फाइटर जेट को लैंड करना है एक छोटे से आइलैंड पर, बहुत छोटे आइलैंड पर। एंड तीसरा टास्क तो पता ही है तुम लोगों को, मिलिट्री के बेसिक व्हीकल्स का यूज़ करके मिलिट्री बेस के चक्कर कंप्लीट करने हैं। फिलहाल वो तीसरा टास्क है, उस पर बाद में लौटेंगे, पहले पहले वाले को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तुम लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि मैं टास्क जल्द से जल्द कंप्लीट करके मिलिट्री ज्वाइन कर सकूं। यस, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल ये है अपनी स्टार्टिंग लाइन, इससे आगे मैं नहीं ले जा सकता अपने टैंक को। लेट्स गो, फायर करते हैं। देखो मेरा प्लान क्या है, मैं पहली गाड़ी को फायर करूंगा, उससे आग फैल के दूसरी गाड़ी तक जाएगी, उससे आग फैल के तीसरी गाड़ी तक जाएगी। तो इस तरीके से शायद 10 की 10 गाड़ियां मैं ब्लास्ट कर सकता हूँ। फिलहाल ये मेरा फर्स्ट फायर था, जिसके बाद सेकेंड गाड़ी तक आग जो है ट्रांसफर हुई, उसके बाद थर्ड कार तक आग जो है ट्रांसफर हुई, उसके बाद फोर्थ देखो कार ब्लास्ट, इसके बाद फिफ्थ कार ब्लास्ट हो चुकी है, एंड सिक्स्थ कार तक देखो आग पहुंच चुकी है, सेवन्थ कार तक आग पहुंच चुकी है, एट्थ कार तक आग पहुंच चुकी है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी थी, ये मेरा पूरा प्लान था, एंड ये प्लान पूरा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। बस लास्ट की ये 3 गाड़ियां रह गई हैं, ये 3 गाड़ियां भी ब्लास्ट हो जाए। ओके लास्ट वाली में आग ट्रांसफर हो रहा है। यस लेट्स गो भाई, बस एक ये गाड़ी व्हाइट वाली रह गई है, अगर ये गाड़ी मेरी ब्लास्ट हो गई, यस लेट्स गो, फर्स्ट ट्राई में ही यहाँ पर 10 की 10 गाड़ियां ब्लास्ट कर दी है, एंड यहाँ पर मेरा फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुका है। एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी आ चुका है, फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया यार। किस तरीके से तुम लोगों ने देखा, पूरी चेन रिएक्शन हुई यार। सबसे आगे वाली जो रेंज रोवर खड़ी थी, मैंने उस पर फायर किया था, एंड देन उसके बाद ब्लास्ट होती गई गाड़ियाँ, एंड आग ट्रांसफर होती गई एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, एंड इस तरीके से फाइनल वाली गाड़ी तक तुम लोगों ने देखा भाई, ये जो इसका बैक पार्ट था ये कनेक्ट हो गया इसके फ्रंट पार्ट से, एंड आग फैल गई इसके में भी, एंड ये गाड़ियाँ ब्लास्ट हो गई। तुम लोगों को मैं काउंट करके दिखाऊं भाई कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पर, जरा देखो, 1, 2, 3, 4 और ये 5 गाड़ियां तो यहीं तक हो गई, ठीक है, 5 गाड़ियां तो यहीं पे हो गई, ये 6th गाड़ी, 7th, 8th, एंड ये 9th, एंड ये 10th, एंड इसी के साथ हमारा फर्स्ट टास्क सक्सेसफुली होता है कंप्लीट। और बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि भाई ये मैं फर्स्ट ट्राई में ही कंप्लीट कर दिया भाई से। अब देखना यह है कि सेकेंड टास्क कितने ट्राइज लगते हैं, एंड मेरे पास टाइम कितने थे, 12 घंटे, ठीक है, मैंने 9 बजे शुरू किया था भाई, अभी तक 1 घंटा भी नहीं हुआ है, एंड मेरा एक टास्क डन। मुझे तो लग रहा है ये 7-8 घंटे के अंदर निपटा दूंगा मैं ये सारे टास्क। दूसरा टास्क भी इजी है, तीसरे टास्क में टाइम लगेगा, सारे बेसिक व्हीकल्स का यूज़ करके इनको भाई चक्कर लगाना है पूरे मिलिट्री बेस का। यार ये देख के खुश हो गया मैं तो, बहुत ज़्यादा ऐसा दिल सा खुश हो गया यार, एक फायर में 1 फायर 10 कार्स ब्लास्ट। देखो भाई अगर ये सीन मैं तुम लोगों को ड्रोन से दिखाऊं तो देखो भाई ये सारी की सारी गाड़ियां, क्या हाल हुआ है गाड़ियों का, सिर्फ एक फायर से
अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ, जिसके अंदर मुझे ये लोग एक फाइटर जेट प्रोवाइड करेंगे एंड एक जगह प्रोवाइड करेंगे भाई, जहाँ पर उस फाइटर जेट को लैंड करना है। वो जगह एक्चुअली में एक छोटा सा आइलैंड होगा, बहुत छोटा गाइस। तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ भाई, तुम लोगों को आइलैंड सुनते ही क्या आ रहा होगा दिमाग में, बहुत बड़ी जगह नहीं भाई, बिल्कुल छोटा सा आइलैंड जिसपे एक बंदा सिंपली सीधा खड़ा हो सकता है, ऐसा आइलैंड, एंड उस पर मुझे फाइटर जेट लैंड करना होगा। देखते हैं क्या होता है भाई, डर तो लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन करना तो पड़ेगा। दो भाई दो फाइटर जेट दो मुझे। फाइटर जेट प्रोवाइड कर दिया गया है यार, ये रहा ये फाइटर जेट। ओ भाई इधर क्या हो रखा, शॉर्ट सर्किट लग तो रहा है भाई। अरे ठीक करो यार, करंट वरेंट लगेगा बहुत जोर से। छोड़ो अभी बाद में उसे देखेंगे। देखो गाइज एक और चीज़ अभी मुझे पता चली है, ये फाइटर जेट तो है, इसे मुझे लैंड कहाँ करना है ये भी पता चल चुका है। माउंट चिलियाट की तरफ तीन चार आइलैंड्स का ग्रुप है, उसमें से जो सबसे छोटा आइलैंड है मुझे उस पर इसे लैंड करना है। एंड एक और चीज़ अभी बताई है मिलिट्री वालों ने, जब मैं इस फाइटर जेट को यहाँ से टेक ऑफ करूँगा तब मिलिट्री वाले मुझ पर अटैक भी करने वाले हैं, एंड मुझे उस अटैक से बचते हुए इसको टेक ऑफ करके ले जाना है यहाँ से। भाई साहब ये तो बहुत तरीके से टेस्टिंग की जा रही है यार, मेरे को नहीं लगा था यार इतने तरीकों से टेस्टिंग होगी एंड इतने डेडली टास्क होंगे। देखो ये टास्क सिंपल अभी तक था भाई, कि इसको ले जाके लैंड करना है सिंपली एक आइलैंड पे, बट अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। देखो भाई कि जैसे ही मैं यहाँ पर टेक ऑफ करने की कोशिश करूँगा, ये लोग भाई गोलियाँ बरसाने वाले हैं, एंड मुझे इनकी गोलियों को इनके तोपों को डॉज करके यहाँ से टेक ऑफ करना है। कोई बात नहीं मैं कर सकता हूँ, चलो भाई डॉज, कम ऑन डॉज करो भाई, फटाफट डॉज करो। यस लेट्स गो, बच गया। यस ओ नो 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 नो, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई साहब नहीं, आराम से यार, इनकी मिसाइल्स डॉच करना कितना मुश्किल है। एक आध मिसाइल्स पड़ी हैं, बाकी मैंने डॉच कर दी। ओके बहुत ही डिफिकल्ट था ये। अरे यार सिंपल से टास्क नहीं दे सकते यार, मिलिट्री ज्वाइन करवाने के लिए इतने टास्क, खतरनाक टास्क देना जरूरी है। लेकिन यार इसी के लिए तो मैं छोड़ के आया था स्वेट सोल्जर्स, यही एंजॉय करने के लिए तो मज़ा आ रहा है भाई। दो और खतरनाक टास्क दो, मज़ा आ रहा है मुझे तो। ओ भाई अभी चिड़िया गई मेरे जस्ट फाइटर जेट के ऊपर से, तो मुझे माउंट चिलियाट के तरफ जो आइलैंड्स हैं, ग्रुप है आइलैंड्स का, उसमें सबसे छोटा वाला जो आइलैंड है उस पर लैंडिंग करनी है। अब तुम लोग सोचोगे यार मिलिट्री वालों को कैसे पता चलेगा मैंने लैंडिंग की है कि नहीं, भाई वो लोग मेरे पे नज़र रखे हुए हैं यार, उनको सब कुछ पता चल जाएगा। बल्कि जितने भी बंदे लाइन लगा के वहाँ पर आए थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने सब पर नज़रें लगा रखी हैं एंड सब पर वो लोग देख रहे हैं भाई कि कौन किस तरीके से टास्क कंप्लीट कर रहा है। फिलहाल अभी फाइटर जेट मेरा क्रैश होते होते रह गया, ऑलमोस्ट क्रैश होते होते रह गया यार, अभी क्रैश ही था ये। ओके ये है वो आइलैंड्स का ग्रुप, इधर ही देखो मुझे लैंडिंग करनी है। अब कहाँ करनी है ये देखना पड़ेगा। चलो पानी में क्यों जा रहा हूँ मैं। ओके इसमें भी मुझे ज़्यादा ट्राई नहीं मिलने वाला है, एक से दो ट्राई मिलने वाले हैं। तो ये है देखो चार आइलैंड्स का ग्रुप, इसमें सबसे छोटा तो उस आगे वाला लग रहा है, हाँ उसी पर लैंड करना होगा शायद। ओके थोड़ा उधर से घुमा के लाता हूँ, रुको से इस तरीके से घुमा के। ओके नाइस, बहुत ही बढ़िया। एंड देन यहाँ से स्लो करके फाइटर जेट की स्पीड, एंड यहाँ पर कम ऑन, नहीं पानी के अंदर नहीं। ओके नहीं, ओ बच गए। अरे यार चलो मेरा फर्स्ट ट्राई फेल नहीं हुआ यार, फर्स्ट ट्राई जब फेल होगा जब ये प्लेन पूरा बंद हो जाएगा, क्रैश कर जाएगा। फिलहाल मेरा अभी भी फर्स्ट ट्राई कंटिन्यू है ये। भाई मेरे को लगा था ऐसी कुछ गड़बड़ होगी, या तो आगे गिरूंगा या तो मैं पीछे गिरूंगा, बढ़िया से लैंडिंग करनी पड़ेगी यार इस फाइटर जेट की। चलो फिर से ट्राई करते हैं, कम ऑन, हियर वी गो। ओ नो किधर लेके जा रहा हूँ मैं, नहीं। ओ यार कितना मुश्किल है ये, सीरियसली मैं भाई क्या डिफिकल्ट है ये टास्क, ईजी लग रहा था ये देखने में, बहुत ही डिफिकल्ट है। ओहो कैसे होगा ये, रुको जल्दबाजी नहीं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ भाई, टाइम है अपने पास, बहुत टाइम है यार, जल्दबाजी करने की ज़रूरत क्या है। हाँ अभी आराम से चलते हैं, यहाँ पर वापस मैंने टेक ऑफ कर लिया है, आराम से बिल्कुल, जल्दबाजी करनी नहीं है भाई, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से चिल करते हुए चलते हैं, एकदम सिंपली एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर ये प्लेन का इंजन हो गया बंद, एंड यहाँ पर हो गई बढ़िया वाली लैंडिंग, इसे कहते हैं भाई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंडिंग। एंड हियर वी गो एवरीवन, फाइनली कर दिया यार लैंड इस फाइटर जेट को। अरे वाह भाई मिलिट्री वालों, भाइयों देख लो
तुम्हारा सेकंड टास्क भी हो गया है कंप्लीटेड। यहाँ पर लिखा आ चुका है सेकंड टास्क कंप्लीटेड। सेकंड टास्क तो हो गया यार कंप्लीट, तो फिर चले अब। क्या खुशी हो रही है भाई, ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। क्योंकि देखो भाई, फर्स्ट ट्राई तब तक फ्लॉप नहीं होगा जब तक मेरा ये प्लेन क्रैश ना कर जाए, फिर सेकंड ट्राई के लिए वो लोग मेरे को एक और प्लेन देते हैं, एंड देन अगर उसमें भी मैं फेल कर जाता देन डिस्क्वालीफाई हो जाता, तो ऐसा सीन था। बट मेरा तो फर्स्ट ट्राई फ्लॉप नहीं हुआ यार, प्लेन तो अभी भी सही सलामत है, एंड लैंडिंग क्या एपिक हुई। ओहो मजा ही आ गया। चलो अभी यहाँ से टेक ऑफ करते हैं एंड मिलिट्री बेस निकलते हैं। मिलिट्री वाले मुझे पता है वो फिर से गोलियां बरसाएंगे, डॉच करते हुए मुझे लैंडिंग भी करनी होगी। चलो कोई नहीं, कर देंगे, दिक्कत वाली बात क्या है। लेट्स गो एवरीवन, चलते हैं मिलिट्री बेस। हम लोग फास्ट, बहुत फास्ट भगाते हैं इस फाइटर जेट को भाई, 250 से ऊपर नहीं जा रही इसकी स्पीड। बूस्टर बूस्टर है क्या इसके अंदर? तो यस बूस्टर है। ओए बूस्टर की वजह से क्या स्पीड हो गई है, 570 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है यार, बूस्टर की वजह से स्पीड देखो। अरे वाह, ले मेरे को तो पहले पता ही नहीं था, अपना बूस्टर से ही मैं आता है यहाँ तक। ये देखो कितनी जल्दी मैं मिलिट्री बेस पहुँच गया बूस्टर की हेल्प की वजह से। सर एक बार तुम लोग देखो भाई, मिलिट्री बेस पहुँच गया मैं अभी, कितनी जल्दी। अब बूस्टर बंद कर लेते हैं एंड देन अभी बढ़िया से स्वीट सी लैंडिंग कर लेते हैं, इससे पहले कि ये लोग ज़्यादा गोलियाँ वोलियाँ बरसाएं मेरे पे। चलो लो भाई, कर ली मैंने लैंडिंग। बताओ बरसाओ गोलियाँ, बरसाओ तुम्हारे गोली बरसाने से पहले लैंडिंग। अब चलते हैं हमारे तीसरे टास्क की तरफ, जिसके लिए ये लोग अभी व्हीकल्स प्रोवाइड करेंगे। तीसरा टास्क जैसे कि मैंने बताया था, क्या कर रहा हूँ मैं, प्लेन के अपने ही प्लेन के नीचे आ गया मैं। हाँ तो तीसरा टास्क मैंने बताया था गाइज, कि जो मिलिट्री के बेसिक व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करके हमें मिलिट्री बेस के चक्कर लगाने हैं। तो ज़रा देखते हैं कौन कौन से हैं वो बेसिक व्हीकल्स। तो मिलिट्री के बेसिक व्हीकल्स मुझे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सबसे पहला बेसिक व्हीकल है इनकी जीप, तो मुझे इनकी जीप से भाई एक चक्कर कंप्लीट करना है पूरे बेस का। दूसरा सबसे बेसिक व्हीकल है ये वाली जीप विद टू टरेटेड गन्स, मतलब ये ऑटोमेटेड गन्स लगी हैं। इस वाली व्हीकल से एक चक्कर कंप्लीट करना है, फिर मिलिट्री ट्रक से एक व्हीकल मतलब एक चक्कर कंप्लीट करना है, एंड फाइनल राउंड जो है मुझे टैंक से कंप्लीट करना है। यार टैंक वाला तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा यार, टैंक तो बहुत स्लो चलता है। ऊपर से मिलिट्री बेस के आजू बाजू ऐसी जगह है भाई, कीचड़ है, पानी है, पहाड़ है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल अभी टाइम देखते हैं, पहले टाइम देखो गाइज, अभी 11 बजने वाले हैं थोड़ी ही देर में, मतलब अभी मुझे 2 ही घंटे हुए हैं और मेरे पास 12 घंटे थे यार, 12 घंटे। चलो चक्कर कंप्लीट करते हैं, शुरुआत करते हैं मेन गेट से। ओके यहाँ से अपना शुरुआत करते हैं राउंड, हियर वी गो। पहला राउंड शुरू हो चुका है मेरा, देखते हैं कितनी देर लगती है इसमें। मुझे उम्मीद तो है मैं जल्दी कर लूँगा, 12 घंटे में से 2 घंटे बीत गए हैं, 10 घंटे बचे हैं। अब 10 घंटे में मुझे 4 गाड़ियाँ उसे चक्कर कंप्लीट करना है, जिसमें से 3 तो चलो किसी तरीके से हो भी जाएगा। टैंक तो बहुत स्लो होता है, उसके लिए कम से कम मुझे 2-3 घंटे लगेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलो 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 बिंदास, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। ओके यार दिक्कत तो नहीं हो रही है ये टास्क कंप्लीट करने में? ओके नहीं यार दिक्कत अभी आगे होगी, ये देखो आगे के प्लेटफॉर्म्स कैसे हैं, बट कोई बात नहीं, जीप तो बढ़िया ही चलती है। हाँ बाकी व्हीकल से दिक्कत हो सकती है। उन कैसे चला रहा हूँ मैं जीप, आराम से भैया आराम से। ओके नाइस, चलते रहो बढ़िया, इधर से इधर एंड देन सीधा सीधा चलते रहो मिलिट्री की जीप लेके। अरे यार सिंपल है ये वाला टास्क, सिंपल है बट वही है कि टाइम टेकिंग है। ओके एक चक्कर देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट करता हूँ मैं। ब्रिज के पास तो आ गया, आधा तो हो गया भाई, आधा चक्कर कंप्लीट हो गया है, बाकी थोड़ा सा भी इधर से इधर अपनी जीप को ले जाना है एंड इस कच्चे रास्ते को फॉलो करना है, एंड देन हम लोग वापस से अपने मिलिट्री बेस के एंट्री गेट तक पहुंच जाएंगे, एंड देन वहां पर पहुंचने के बाद एक राउंड हो जाएगा कंप्लीट इस जीप के साथ। फिर मैं लाऊंगा वो टरेटेड गन्स वाली जीप, एंड देन उससे एक राउंड करूंगा कंप्लीट, फिर वो मिलिट्री ट्रक, फिर उसके बाद वो टैंक। ओह नो क्या कर रहा हूँ मैं, एंड ये फर्स्ट राउंड हमारा होने वाला है कंप्लीट बस कुछ ही देर में। किधर आ गया ये मैं, थोड़ा सा और आगे जाना है यार, थोड़ा सा और रह गया बस, एंड हियर वी गो एंड ये पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस की स्टार्टिंग लाइन पर। स्टार्टिंग लाइन क्या मतलब, एंट्री पॉइंट पर। फिलहाल स्टार्टिंग लाइन में ठीक ही है क्योंकि यहीं से तो शुरुआत की थी मैंने। अब इसको रख के आते हैं इसकी सही जगह पे एंड लेकर आते हैं दूसरा व्हीकल। चलो भाई जीप मैंने रख दी है यहाँ पे, दूसरा व्हीकल है जिसके अंदर ऑटोमेटेड गन्स लगी है, उससे एक चक्कर हो जाएगा। ये भी सिंपल है, ये तो बल्कि और भी ज़्यादा बढ़िया ऑफ रोडिंग के लायक ट्रक है भाई। ट्रक नहीं मतलब जो भी व्हीकल है ये ऑफ रोडिंग के लायक बनाया है, तो स्पेशली इससे तो मैं और आराम से कंप्लीट कर दूंगा चैलेंज।
चलो फिर इधर से इधर चलो, सिंपली गाड़ी को फुल स्पीड में भगाओ। ओ नो, किधर चला गया मैं? अबे यार कोई बात नहीं, इधर भी कंटिन्यू ही तो रख सकते हैं हम लोग। यही तो है भाई, इस लास्ट वाले में भाई कोई गड़बड़ का चांस नहीं है। बस हाँ एक दिक्कत हो सकती है, वो जो टैंक है वो बहुत स्लो होगा। अभी तो देखो भाई ये जितना भी प्रोसेस है चक्कर लगाने वाला, राउंड कंप्लीट करने वाला, कितना सिंपल एंड इजी लग रहा होगा तुम लोगों को कि भाई क्या ही है ये, बिल्कुल ही सिंपल ही टास्क दे दिया मिलिट्री वालों ने। सिंपल तो है यार, लेकिन जब तक ये फास्ट वाली गाड़ियाँ, ये जो ऑफ रोडिंग स्पेशल कार्स है, तब तक ही सिंपल है। जब एक बार टैंक आएगा ना भाई, या टैंक की बारी आएगी, तब असली हालत ख़राब होगी। फिलहाल इनसे क्या दिक्कत है, ये देखो पानी आ गए, पानी में भी एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस रहती है इन गाड़ियों की। कीचड़ आ जाए, कीचड़ में बढ़िया परफॉर्मेंस, ऑफ रोड आ जाए वहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस, हर जगह कुल मिला के इन जो व्हीकल्स की परफॉर्मेंस है वो एकदम ही एपिक रहने वाली है। देख लो कीचड़ में क्या बढ़िया चल रही है ये गाड़ी, कीचड़ हो गया, मड हो गया, पानी, ये देखो पानी कितना ज़्यादा गहरा है, ये कीचड़ है भाई, ये देखो कीचड़ में बढ़िया चल रही है। पानी में अगर मैं ले जाऊँ इस व्हीकल को तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से पानी के अंदर भी बहुत एपिक तरीके से चल रही है ये। तो इन व्हीकल्स के साथ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उस ट्रक एंड उस टैंक के साथ, देखते हैं उसके साथ हम कितनी जल्दी कर पाते हैं। चलो भाई एंड सेकंड राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट, सेकंड राउंड नहीं, सेकंड व्हीकल से फर्स्ट राउंड। चलो चलते रहो फुल स्पीड, क्या भगा रहा हूँ मैं इस गाड़ी को, रोक ही नहीं रहा भाई मैं तो कहीं भी। और ये इस गाड़ी से एक चक्कर कंप्लीट लेकर आते हैं अगली गाड़ी। ओके डन, मिलिट्री ट्रक की बारी है। चलो ओके, कितने बज गए हैं वैसे? अबे 2 बज गए हैं भाई, मेरे पास और 7 घंटे का टाइम बचा है, 5 घंटे बीत चुके हैं। कोई बात नहीं, 7 घंटे में एक ट्रक और एक टैंक से ही तो चक्कर लगाना है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ट्रक भी ठीक ही है यार, ट्रक को हल्के में ले रहा था मैं, देखो स्पीड तो अच्छी है इसकी भी, इसकी भी स्पीड गड़बड़ कहाँ है, एकदम बढ़िया तरीके से प्यार से तो चल रहा है ट्रक, और क्या ही चाहिए। ट्रक भाई रफ्तार दिखा अपनी, फुल स्पीड में चल भाई, 150 की रफ्तार, 160 की रफ्तार पे चल रहा है ये ट्रक, 170 180, ओ भाई साहब 190 की स्पीड पे ये ट्रक, एंड उछाल दिया मैंने इसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। थोड़ा सा ऑफ रोड ले जाऊं भाई से, थोड़ा पानी में ले जाऊं, देखो पानी में चल रहा है कि नहीं ट्रक, आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसे, पानी के अंदर भी बहुत सिंपल बहुत आराम से। ये वाला थर्ड टास्क भी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ बस थोड़ी देर में, एक बार वो टैंक वाला हो जाए एंड देन ये टास्क भी फिर तो कंप्लीट ही है भाई, एंड फिर मैं ज्वाइन कर पाऊँगा लॉस सैंटोस की आर्मी। लो भाई आ गए फाइनली स्टार्टिंग लाइन की तरफ, एंड ट्रक से हो गया ये एक राउंड कंप्लीट। फाइनल व्हीकल की बारी है, फाइनल व्हीकल लेकर आते हैं, लेट्स गो गेट द टैंक। ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत स्लो होता है ये, तुम लोग खुद देखना भाई। ओके सर लेट मी गो। चलो भाई ये देखो उतना फास्ट नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक ये है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके 4 बजने वाले हैं भाई, 4 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे ही हैं इस टैंक को लेके। ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई 5 घंटों में एक टैंक से एक चक्कर ही तो लगाना है, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 2-3 घंटे में ही लग जाएगा चक्कर तो। चलो 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 चलो, ओ नो, चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट फटाफट, शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। चलो 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 यार, पानी के अंदर भी मत रुक भाई, टैंक चलता रहे, टैंक मेरे बिंदास चलता रहे। ओके बहुत ही बढ़िया यार, टैंक तो बहुत टाइम ले रहा है यार, जितना एक्सपेक्ट किया था भाई टैंक उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है। तुम लोग देख सकते हो 6:30 बज चुके हैं एंड अभी तक ये टैंक नहीं पहुंचा है, आई गेस आधा चक्कर अभी तक कंप्लीट हुआ है सिर्फ, अभी पता नहीं भाई कितनी देर और लगेगी। चल मेरे टैंक थोड़ा फास्ट चल प्लीज़, क्या कर रहा है ये, ओ नो किधर जा रहा है, पानी में नहीं, ओके बच गए। चल मेरे टैंक चलता रहे भाई थोड़ा फास्ट प्लीज़। भाई कुछ भी बोलो यार, टैंक होता बहुत स्लो है, 7 बजने वाले हैं एंड बस मेरे पास और 2 घंटे बचे हैं। लकीली 70% ये एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, बस 30% और रह गया है, 30% कंप्लीट होते ही हमारा आज का टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। बस अब ये टैंक कहीं अटके ना तो मैं जल्दी कर लूँगा, 9 बजे से पहले कर लूँगा। चलो 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 चलो, टैंक भाई मेरे फास्ट, कम ऑन जल्दी चल यार, कितना स्लो है ये। टाइम देखो भाई 8:15 बज चुके हैं, 8:15, और मैंने ये चैलेंज शुरू किया था 8:53 पे, मतलब लगभग चैलेंज ख़त्म होने से आधे घंटे पहले ये चैलेंज हुआ है कंप्लीट। यस,
यस, हो गया चैलेंज कंप्लीट। एंड यहाँ पर लिखा आ चुका है चैलेंज 3 कंप्लीटेड। एंड इसी के साथ मैं ज्वाइन कर सकता हूँ अभी लॉस सैंटोस की आर्मी। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम लोग। एंड लास्ट टाइम कल रात को मैंने चैलेंज कंप्लीट कर दिया था। एंड एज यू कैन सी मैं बन चुका हूँ एक आर्मी ऑफिसर। एंड मुझे एक गाड़ी भी दी गई है आर्मी की तरफ से, ये रेड कलर की जीप। फिलहाल ये लग तो नहीं रही है किसी भी एंगल से आर्मी वाली, क्योंकि ना गन है ना कुछ कैमोफ्लॉज है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये गाड़ी अभी टेम्पररी है भाई, परमानेंट नहीं है। परमानेंट मेरे लिए एक स्पेशल व्हीकल मिलेगा मुझे, जो कि ये लोग बनवा रहे हैं अभी, तो देखते हैं कब मिलता है वो स्पेशल व्हीकल। फिलहाल ये टेम्पररी जीप भी बढ़िया है रेड कलर में। एंड अभी मैं बन चुका हूँ एक आर्मी ऑफिसर, वो भी लॉस सैंटोस की आर्मी ज्वाइन करने के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है भाई मेरे लिए, मज़ा ही आ गया सीरियसली। मैं जितने टास्क थे कंप्लीट करने का, उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, तुम लोगों को भी मज़ा आया तो वीडियो को जाकर लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।